सिक्किम में बढ़ते कोविड मामलों के बीच राज्य सरकार ने नई एसओपी जारी की है। यह एसओपी कल से प्रभावी होगी। दूसरे राज्यों से सिक्किम आने वाले लोगों को 72 घंटों के भीतर का आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। जो लोग रिपोर्ट नहीं दिखा पाएंगे उनके लिए सभी चेक गेट और एयरपोर्ट में रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा लोगों की गतिविधियों को सीमित करने के लिए राज्य सरकार ने ऑड इवेंट का फॉर्मूला अपनाया है। ऑड नंबर वाली गाड़ियों को ऑड तारीख को चलाने की इजाजत होगी, वहीं इवन नंबर वाले गाड़ियों को इवन तारीख को गाड़ी निकालने की अनुमति दी गई है। यह प्रतिबंध वाणिज्यिक मॉल, वाहक वाहनों, आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों, सुरक्षा और सेना के वाहनों तथा सरकारी वाहनों पर लागू नहीं होगी। सरकारी वाहनों को भी केवल कार्यालय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक के लिए अनुमति दी गई है। 10 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक यह नियम लागू रहेंगे।